रू में किसी की प्यार की कहानी में विराट ने ये तो गिनवा दिया कि सई की क्या गलती है और सई ने विनायक को पाला नहीं है, विनायक को जन्म नहीं दिया है और इसीलिए पाखी का हक ज्यादा है क्योंकि पाखी ने विनायक को जन्म भी दिया है और पाला पोसा भी है। इस सारी बातें विराट सई से कहेगा और कहेगा कि मुझे पाखी और विनायक को बख्श दो और हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ। जी हाँ, विराट ने फिर से वही गलती की है जो सालों पहले पाखी का साथ देकर की है। कल विराट ने अपने हिस्से की बात तो कह दी, अब सई की बारी है। सई अपना हक लेगी और अपना हक इस बार लेकर रहेगी और सच का सामना भी। विराट ने ये बता दिया है कि पाखी ने क्या क्या किया है, लेकिन अब सई पुलिस का और कानून का सहारा लेकर विराट के सामने पाखी की करतूतें बताएगी कि पाखी ने सैरोगेसी के टाइम क्या किया था, कैसे कानून को तोड़ा था और किस तरीके से उसे किडनैप करवाया था। हर एक बात अब सामने आने वाली है। सालों पहले जिस सजा की सजा नहीं मिली है पाखी को, वो सजा पाखी को मिलेगी जो कि सैरोगेसी के टाइम उसने की थी। वेल, देखना होगा ये कि विराट अब इस बात को कैसे जस्टिफाई करेगा। जिस तरीके से उसने एक माँ को तराजू में तोल दिया है, तो क्या सच को भी वो तराजू में तोल पाएगा? बाकी की अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।